फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं लाई हूँ कुछ ऐसे आसान से टिप्स जिसको अपनाकर आप लोग हमेशा स्वस्थ रहने वाले हो, और अगर आप उनको अपने डेली लाइफ में अपना लेते हो तो आप लोग हमेशा स्वस्थ रहोगे। क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में और बिजी लाइफ स्टाइल में हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग लंबे लंबे रूल्स फॉलो कर सकें। तो डेली लाइफ की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अपनाकर हम लोग ऑटोमेटिक स्वस्थ रह सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उनको ज़रूर अपनाना। तो उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग सारी चिंताओं को छोड़ के 7-8 घंटे की नींद जरूर लीजिए, क्योंकि काम हम लोगों के कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो जब सोने का टाइम हो तो आप रिलैक्स होकर 7-8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। इससे आप ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेंगे। कुछ बीमारियाँ नींद ना पूरी होने की वजह से आप लोगों के लाइफ में आती हैं जो हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं। तो आप लोग 7-8 घंटे की नींद जरूर सोएं और 7-8 गिलास पानी भी जरूर पिएं दिन भर में, क्योंकि हम लोग रोज के कामों की वजह से या इतने बिजी लाइफ की वजह से शायद पानी को भी इग्नोर कर देते हैं, पानी भी ढंग से नहीं पीते हैं। तो 7-8 गिलास आप पानी डेली पीजिए तो आपके जो बॉडी के अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से प्रॉपर वर्क करेंगे। और तीसरा है कि आप लोग रात में सोने से पहले ब्रश जरूर किया करिए, जिससे माउथ बिल्कुल फ्रेश रहेगा, साफ रहेगा। सुबह का ब्रश इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना रात का ब्रश ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब हम लोगों का मुंह बंद हो जाता है रात में तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती है, तभी जो बैक्टीरिया होते हैं वो तभी आपको हार्म ज़्यादा पहुँचाते हैं। तो इसलिए बच्चों को भी कहिए और आप लोग खुद भी रात में ब्रश करके ज़रूर सोना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम लोगों के दांतों में रात में फंसता है वो सड़न तभी पैदा होती है जब हम लोग रात में अपने माउथ को साफ करके नहीं सोते। तो रात में आप लोगों को ब्रश जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को बहुत टीवी नहीं देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा टीवी देखने से आपकी आइज़ पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो जितना ज़रूरी है आप उतना टीवी देखिए, नहीं तो उसके अलावा आप आँख बंद करके रेस्ट भी कर सकते हैं। और सुबह पैदल चलने की भी आदत डालिए आप लोग, कम से कम 100 मीटर हम लोगों को पैदल वॉक जरूर करनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को खाने के बीच में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। आपको अगर पानी पीना है तो आप खाने से 1/2 घंटे पहले पी सकते हैं। अगर आप खाने के बीच में पानी पीते हैं ज़्यादा तो वो खाना आपका अच्छे से नहीं पच पाता है, क्योंकि खाना जब हम लोगों की बॉडी में जाता है तो वो जो पेट में जो और ऑर्गन्स होते हैं वो एक पदार्थ ऐसा छोड़ते हैं जिससे आप लोगों का खाना अच्छे से पचता है, हम लोगों की बॉडी में खाना अच्छे से पचता है। तो अगर हम लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो वो जो पदार्थ हम लोग ऑर्गन्स छोड़ते हैं वो ठीक से अपना वर्क नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। आप 1/2 घंटे पहले पी लीजिए और खाने के 15-20 मिनट बाद आप पानी पीजिए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है, सब लोग थोड़ा बहुत पानी पी ही लेते हैं। चलिए 1-2 घूंट अगर आपने पी लिया, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जितना खाना खाएंगे उससे ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो वो चीज़ हार्मफुल होती है, इससे आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और इसके अलावा और भी टिप्स हैं, अभी मैं आपको और भी बताती हूँ। इसके अलावा गाइस, आपको कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक कम पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक की जगह और भी पेय पदार्थ होते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंगो शेक पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जितना आप कम पीते हो उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बहुत हार्मफुल तत्व होते हैं। और अगर आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही है उठने और बैठने में, तो यह है कि आपका कैल्शियम बॉडी से कम हो रहा है, तो आपको दूध दही और दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बढ़ा देने चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी पूरी होती रहेगी। और दूध और दही खाने का जो सही समय है वो है दोपहर में और सुबह। आपको शाम को दही नहीं खाना चाहिए, शाम को आपको खाने के बाद दूध पी सकते हैं, दूध पीना चाहिए। और इसके अलावा आपको अपने नेल्स बड़े नहीं रखने चाहिए। नेल्स बड़े रखने से ही जितने हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो हम लोग के नेल्स में होते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता है, वो हम लोगों के खाने में पहुंच के हम लोग की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा कभी दूसरे का ब्रश भी यूज़ नहीं। इसके अलावा और भी रूल्स हैं जो आप अगर छोटे छोटे रूल्स अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, सुबह उठने के बाद 100 मीटर पैदल ज़रूर चलें। किताब या अखबार पढ़ते समय खाना ना खाएं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल खाने पर ही फोकस करिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग कुछ और काम कर रहे होते हैं खाने के बीच में, तो हम लोग खाना अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा खा जाते हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। खाना हमेशा एक रोटी कम ही खाना चाहिए।
और खाना खाते ही सोना नहीं चाहिए। जैसे कि अक्सर घरों में जैसे बहुत लेट अगर खाया जाता है तो खाने के बाद तुरंत सोने का टाइम हो जाता है और सब लोग सोने चले जाते हैं, तो इससे हम लोगों का जो खाना होता है वो अच्छे से हजम नहीं हो पाता है। हम लोगों को पानी ऊपर से गटगट करके नहीं पीना चाहिए, गिलास में ही पीना चाहिए और अपने भोजन का एक निश्चित समय बनाए, एक निश्चित समय पर ही आपको भोजन करना चाहिए और बहुत ज़्यादा तेल और तला चिकना भोजन नहीं करना चाहिए। और खाना खाने से ठीक पहले पानी न पिए, आधा घंटा बाद ही पानी पिए। और सुबह उठकर 9 बजे से पहले ही अगर आप नहा लेते हैं तो अच्छी बात है। और इसके अलावा आप लोगों को खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट चाय पीने से वो पेट में जाके एसिड बनाती है जो हम लोगों को गैस बनाती है और हम लोग को बहुत नुकसान करती है। तो खाली पेट चाय कभी ना पिए। सुबह उठें तो पहले एक गिलास पानी पी लिए, नहीं पी सकते एक गिलास पानी खाली पानी तो नींबू पानी पी सकते हैं या नींबू में शहद डालकर भी पी सकते हैं। तो अगर आप इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बड़े आराम से आप सब इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। आपकी अपनी मधु, रियल वन मधु ब्लॉगर। बाय बाय।